आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दूसरे चरण की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी तो प्यार की दुकान में नफरत के सौदागर हैं। अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी ने जो यात्रा पहले निकाली थी उससे क्या हुआ, भारत कोई टूटा हुआ नहीं है लेकिन इन्हें भारत खंडित ही दिखता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के नाना जवाहरलाल नेहरू ने भारत को खंडित किया, उसके दो टुकड़े बनाए जिसमें से एक पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान बनाया गया, इसके जख्म आज तक लोगों को याद हैं। अनिल विज ने राहुल गांधी से सवाल किया कि वे बताएं कि कौन टूट गया जिसे ये जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ सब प्यार से रह रहे हैं, घूम रहे हैं, सब जुड़े हुए हैं। अनिल विज ने आज ट्वीट करते हुए कहा कि कभी आंख मारकर और कभी फ्लाइंग किस करके राहुल गांधी के अंदर का इंसान बाहर आ जाता है और यदि उस इंसान को देखे तो वह बहुत असभ्य नजर आता है। गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश में परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो रही हैं लेकिन हुड्डा साहब जो बता रही हैं ये अपना अनुभव बता रही हैं क्योंकि इनके राज में यही सब होता था। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कई पेपर्स में कई तरह के एक समान प्रश्न होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में जो करेगा वही पास होगा, जो नहीं करेगा वो पास नहीं होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला ने अलग अलग बयानों में प्रदेश सरकार की ओर से पेपर लीक एवं अलग अलग परीक्षाओं में एक जैसे सवाल आने के आरोप लगाए थे। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। जो पहले निकाली है उसका क्या हो गया, भारत कोई टूटा हुआ थोड़ा, इनको तो हमेशा भारत खंडित नजर आता है क्योंकि इनके नाना जवाहरलाल नेहरू ने भारत को खंडित किया, उसके दो टुकड़े बनाए, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान बनाया, जिसके जख्म आज तक लोगों को याद हैं। अब बताए ना जी कौन टूट गया जिसको ये जोड़ना चाहते हैं, सब जुड़े हुए हैं प्यार से मोहब्बत से, सब घूम रहे हैं, ये तो प्यार की दुकान में नफरत का सौदागर है। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं। ये जो हुड्डा साहब बता रहे हैं ये शायद अपना अनुभव बता रहे हैं क्योंकि इनके राज में यही कुछ होता था। कई पेपरों में कई प्रकार के समान प्रश्न होते हैं, इसमें क्या गलत बात है। अब जो करेगा वही पास होगा, जो नहीं करेगा वो नहीं होगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।